नहीं, उसमें सब फ्रूटफुल है, आपको मैं भेजूंगी वो लिंक। हाँ ओके। देखो, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। द एलिमेंट ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट एंड एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स होती है। अच्छा, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर्स क्या है, नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज। वे, ये तो आउटर स्पेस का ये है, यू नो, मतलब अर्थ का नहीं लगता है मुझे। जैसे मैट्रिक्स होता है वो कोई भी। क्या है मैट्रिक्स का मतलब, क्या है वो? मूवी है, एक पिक्चर है मैट्रिक्स, वो नहीं ना। ओके, इसका एप्लीकेशन बाद में आएगा। हाँ, अभी तो बस मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे कैसे मैट्रिक्स में कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। लेकिन क्या है मैट्रिक्स? वही, जैसे कोई रेक्टेंगुलर स्पेस होता है। हाँ, उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 5, 2, 3 आर एलिमेंट्स और या नंबर्स? वो नंबर्स एलिमेंट्स 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 क्यों बुलाते हैं उसको, नंबर है ना वो? 2, 5 हाँ, मीन्स एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो फंक्शन भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे अच्छा, मेरे पास भी एक पेन होना चाहिए, मेरे पास होगा, एक मिनट आप ले रखो। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट एलिमेंट्स कैन बी नंबर्स और फंक्शंस। ओके ओके, ये सब बेसिक्स मुझे नहीं मालूम। Elements can be numbers or functions, right? Right. अच्छा, the functions का मतलब क्या है? Functions जैसे functions कुछ भी हो सकते हैं, जैसे cosine theta, tangent theta। Function क्या? Cosine? Means example दिखा है। हाँ, example। Cos theta, sin theta। Cos theta, sin theta। E raised to power x। Raised to power x। ये फंक्शंस है। हां, एक्स वाई जेड एनी वैल्यू। अच्छा अच्छा, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, तो ये एलिमेंट्स है। अच्छा, और ये रेक्टेंगुलर स्पेस मतलब ये स्पेस कहाँ पे है? अर्थ पे ही है ये स्पेस? नहीं, बस मैथमेटिकल स्पेस। मैथमेटिकल स्पेस वो अलग दुनिया है। ओके, लाइक ओके, ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड। ये आपका पेन है। ओके, ये मैट्रिक्स होती है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं ये मैट्रिक्स, और इसमें जो भी ये है इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 9। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स को दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, एक वर्टिकल एलिमेंट। अच्छा, ये थ्री डिमेंशनल स्पेस नहीं है? थ्री डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है। हाँ, ये लीनियर स्पेस है। अच्छा, वैसे मैट्रिक्स थ्री डायमेंशनल भी होते हैं, लेकिन होते हैं ना मैथमेटिक्स में। हाँ, होते हैं। हाँ, लेकिन अभी इसमें 12th में नहीं है। अच्छा, थैंक सर। सी, दिस इज एडवांटेज, मैं IITN से सीख रही हूँ ना, तो ये सब क्वेश्चंस और कोई आंसर नहीं करेगा, यू नो, मुझे बोलेंगे चुप बैठो, आपका स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं चाहिए, यू नो। जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। अच्छा, एक सेकंड ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैट्रिक्स इज 2D या व्हाट वी आर लर्निंग इन 12th स्टैंडर्ड, आफ्टर दैट वी विल गो टू 3D। एक्सीलेंट। या और ये वर्टिकल एलिमेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं रो एलिमेंट, और जो वर्टिकल एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं कॉलम्स एलिमेंट। ठीक है, ओके, रो एलिमेंट एंड हॉरिजॉन्टल, थैंक्स सर। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एलिमेंट्स, वन मिनट, आई राइट, कॉलम्स आर वर्टिकल एलिमेंट्स। मुझे अपना हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता बाद में, यू नो, डजंट मैटर, दैट्स व्हाई एम रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हुआ, इसमें ये रो एलिमेंट हुए, ये कॉलम एलिमेंट्स हुए, और इसको रो ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। सो इसमें 3 रो है मैट्रिक्स का, ऐसे इसका 3 कॉलम्स है मैट्रिक्स का। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटू बी। ए इज नंबर ऑफ रो, बी इज नंबर ऑफ कॉलम। जैसे इसमें नंबर ऑफ रो है 3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
समस्या. यू टीचिंग वेरी वेल, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझ सकती हूँ आपके. ठीक है, तो 3x3 का एक मैट्रिक्स है. ठीक है, लाइक द मैट्रिक्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. डिस्क्राइब कर रहे हैं ऐसे, जाए हमें कोई मैट्रिक्स बनाना है, 2x3 का कोई मैट्रिक्स बनाना है. मीन्स उसमें 2 रो 3 कॉलम्स. रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस. एंड कॉलम्स आर, तो मैं बनाऊं 2x3 का. वन मिनट, यू डोंट टेल मी. अभी कोई मैट्रिक्स, मुझे लगता है अक्टूबर तक हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना. नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई. अगर फेल हो गया तो मैं फिर से मार्च में आंसर करूंगी. नॉट अ प्रॉब्लम. ऐसे कोई 3x4 का मैट्रिक्स बनाना. हाँ, थैंक्स. ओके, दैट्स गुड. 3 इज रोज एंड कॉलम्स. ओके, सो दैट्स 0, 1, 3, 4, 9, 2, 7, 4. Wait, three. 3 is number of row. okay. Oh God. Okay, I got it wrong. See. Okay. No problem. Okay, 3 is number of rows. Yeah. Rows are 1 minute. But you don't tell me. Rows are this. And columns are 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. 0, 1, 4, 9, 2, 8, 7, 4, 6. 6, 4, 2. ऐसे 2x1 का कोई मैट्रिक्स बनाना. 3x4 मैट्रिक्स. हाँ, व्हाट यू सेड? 2x1 का. 2x1. सो 2 इज रोज, दिस इज कॉलम, दिस इज 1 कॉलम. ओके, दिस इज 1 कॉलम बट देयर आर 2 रोज. वन मिनट, these are the rows and just one column. This, okay, these are 2 rows. One minute. Okay. Yeah? Right. Let's say 1x5 ka matrix. Okay, so that is one row which is here. And there are 5 columns, yeah? Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. But there's only one row. Only one row. So it's 0, 1, 2, 3, 4, 5. Only 4. First, second, third, sorry. I have to get it wrong. Okay. अभी होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. नहीं नहीं, यू कैन पुट इट ऑन दिस पेज. आई जस्ट पुट दिस पेज वन. ओ ओ ओ या कोई मैट्रिक्स है. हाँ. 2, 4, 1, 3, 1, 2. इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रोज इज 2. एंड कॉलम? 3. ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. यस. अच्छा, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ओके, ऑर्डर मुझे नहीं पता. हाँ, कॉल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. 2x3 नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम. या ऐसे इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स.
और कितना साल बाकी है? अभी तो 1-1.5 साल और लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं। आप हाउ मेनी यू आर 25 इयर्स ओल्ड 25 इयर्स ओल्ड नहीं 28 यू डोंट लुक अभी कितना पढ़ाई ना उसके बाद आप स्ट्रेट यूएसए जाएंगे पता नहीं इंडिया में रहेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं कॉलम मैट्रिक्स होते हैं अच्छा कॉलम मैट्रिक्स सॉरी आई एम आस्किंग यू पर्सनल क्वेश्चन लेकिन ऐसे ही यू कॉलम मैट्रिक्स होते हैं यू डोंट आंसर यू मस्ट नॉट आंसर माय क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आंसर करने तो आप मुझे बोलो आप मुझे ये नहीं नो कमेंट्स नहीं 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 कोई भी अगर मैं कंट्रोवर्शियल कुछ पूछूं तो नहीं कुछ मेरे पास कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं अच्छा ठीक है कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होता है अच्छा सिंगल कॉलम हां और रो अनलिमिटेड हो सकता है कुछ भी हो सकता है 1 रो 2 रो 3 रो बट नंबर ऑफ कॉलम इज 1 ओके ओनली वन कॉलम या हां ओनली वन कॉलम ओनली वन कॉलम एंड मेनी रोस और वन रो नंबर ऑफ रो इज नॉट डिफाइंड अगर ऐसे लिखेंगे तो ये वन रो एंड वन कॉलम है ना हां तो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स कैन यू गिव एनी अदर एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स या सो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर of order row comes first na row pehle likhna hai correct okay I want to ask you this is column matrix but agar ek hi row hai aur zyada columns hai to usko kya bolte hain usko bolte hain row matrix ha to ye row matrix bhi ho gaya na ha ye row matrix hai second row matrix Write any two example. Row matrix, yeah. Which has one minute of one row and many columns, yeah. One row and many columns, or one column. Okay. This is one row and one column. Okay. Then one row and many columns. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Row matrix. Okay, like. And order, shall I write the order? Right. 6 into 1. No. Oh, wait. First comes row. One. 1 into 6. Right. Man, I don't know what I'll. Oh my God, I'm getting scared. Yeah. Examine. You know all these silly mistakes I can make, na? अगर कोई कॉलम मैट्रिक्स हमें राइट करना है उसमें n नंबर ऑफ रो है तो उसका कैसे लिखेंगे n नंबर ऑफ रोज मतलब इनफिनिट भी हो सकते हैं एनी नंबर हाँ जैसे 1, 2, 3 अप टू एन एथ रो एंड एन वॉज एन एनी नंबर हाँ ये अच्छा ये सिंगल ये एक मिनट ये सिंगल कॉलम है हाँ और मेनी रोज है एन एनी नंबर सब सिंबॉलिज्म हाँ ये सब कॉन्सेप्ट हम सिंबल्स में बदल रहे हैं ना नहीं तो हर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा सिंबल्स में आसान है वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप ये एक लैंग्वेज है एन एनी नेचुरल नंबर एन इज एनी नेचुरल नंबर ओके ऐसे हमें जीरो है जीरो भी हो सकते हैं नहीं 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 मोर देन जीरो बिकॉज ऑलरेडी जीरो भी हो सकता है जीरो नहीं नहीं जीरो नहीं जीरो नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर मुझे लगता है अबाउ जीरो होना चाहिए ना नेचुरल नंबर मतलब वो जीरो से ज्यादा है होल नंबर वन से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर जीरो टू इनफिनिटी हां होल नंबर वन टू इनफिनिटी हां
एनी होल नंबर, जीरो नहीं हो सकता करेक्ट, एक तो होना चाहिए। हाँ मीन्स मैट्रिक्स होगा उसमें कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा, तो अगर वन भी एलिमेंट होगा तो वन रो तो होगा एटलीस्ट। ऐसे रो में अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ कॉलम्स है और वन रो है तो उसका मैट्रिक्स होगा लाइक वन टू थ्री फोर अप टू एन। ये मैं बताती हूँ, यस ओके वन इन टू एन, वन इन टू एन, ये वन वन रो है, वन नंबर ऑफ कॉलम्स एन एन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके इट्स परफेक्ट स्क्वायर, या सो दैट्स 1 2 3 4 2 3 4 8 9 10 जीरो भी लिख सकते हैं ना उसमें? हाँ एनीथिंग एनीथिंग एनी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ओह नेगेटिव भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। तो ये होल नंबर आप लिखेंगे तो होल नंबर में नेगेटिव भी हो सकता है? होल नंबर मैंने लिखा था कि नहीं नहीं क्योंकि वो नंबर ऑफ कॉलम्स है, हाँ ऑर्डर के लिए, हाँ ऑर्डर के अंदर होल नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना, लेकिन एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, एनी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर, एनी फंक्शनल नंबर, करेक्ट। एलिमेंट इन मैट्रिक्स कैन बी एनी नंबर, एनी मैट्रिक्स कैन बी एनी नंबर और फंक्शन, एनी नंबर और फंक्शन, जीरो नेगेटिव नंबर, नहीं ब्रेन को कंप्यूटर बनाना पड़ेगा, नहीं ये सब रिकॉर्ड। इसके बाद में माइंड में वो पिक्चर होना चाहिए ना पूरा मैट्रिक्स का, हाँ इसमें मींस काफी कुछ याद करना पड़ेगा, और वो भी इंटरेस्टिंग पिक्चर भी नहीं है ना, कुछ भी नंबर्स का पिक्चर, मतलब ट्रीज रिवर वो सब नहीं, कलर्स भी नहीं है उसमें, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डिजाइन है। आपको पता है डायगोनल क्या होता है? जैसे ये स्क्वायर है इसका डायगोनल क्या होगा, ये वाला लाइन, ये डायगोनल होता है, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स है और इसमें यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये डायगोनल होगा, थ्रू वो नंबर्स के थ्रू पास हो जाएगा। हाँ तो कॉम्प्लिकेटेड, हाँ इस डायगोनल से जो एलिमेंट्स पास होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं और बाकी सब जीरो होते हैं, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। वो नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर डायगोनल जीरो से पास होता है तो नहीं, मींस डायगोनल एलिमेंट जीरो हो सकते हैं लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट हो वो जीरो होने चाहिए, वो जीरो होने चाहिए, वो जीरो होना चाहिए, हाँ बाकी सब जीरो होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए, हाँ तो ही उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, हाँ, नहीं तो नहीं। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल, और जो डायगोनल से पास होते हैं वो भी जीरो हो सकता है, वो जीरो हो सकता है, अच्छा तो पूरा जीरो 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 का हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, हाँ ठीक। इसमें ये नॉन जीरो हो गया, बाकी सब जीरो है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे हम नॉट्स एंड क्रॉसेस खेलते हैं ना वैसे मुझे लगता है, हाँ आपको मालूम है ना नॉट्स एंड, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। अच्छा ये कंपलसरी नॉन जीरो होना चाहिए? नहीं ये कंपलसरी नहीं है, ये सब कंपलसरी जीरो होना चाहिए, ठीक है मैम। All non-diagonal elements. If non, all non-diagonal elements are zero. Are zero. तो diagonal matrix हो गया. Is a diagonal matrix. Oh gosh. और जो ये diagonal matrix होता है ये square matrix भी होता है. Diagonal elements can be zero. हाँ क्या क्या square matrix. हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कंपलसरी है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए? जैसे देखो ये कोई हम 2x3 का कोई मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 3 4 5 6 7
ठीक है, इसमें तो डायगोनल ड्रॉ नहीं होगा, ये तो यहाँ पे चला जाएगा, इसलिए वो स्क्वायर ही होना चाहिए 625, तभी वो डायगोनल ड्रॉ होगा। डायगोनल मैट्रिक्स हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट डायगोनल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट। वो डायगोनल स्केच करने के लिए और वो स्क्वायर होना, इट हैज टू बी स्क्वायर। देखो वो फर्स्ट ईयर आई आई टी में नहीं है, आप वो हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, बीटेक एमटेक हो गया और पीएचडी, मतलब जो बीटेक वाले वो सब आपसे जूनियर है, एमटेक वाले सब जूनियर है और पीएचडी फर्स्ट सेकंड थर्ड भी जूनियर है, मतलब जो आपके सामने जो पास कर रहे थे, मैंने सोचा वो आपके सीनियर है इसलिए आप उनको नहीं देख रहे हैं। वो आई डिडंट नो दैट यू आर द सीनियर। एंड हम लोग भी कॉलेज में ना, हम लोग डरते हैं सीनियर से, हम लोग उनको ज़्यादा नहीं देखते हैं, यू नो, अवॉइड करते हैं। नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं डरता है, यहाँ तो फर्स्ट ईयर के बच्चे भी से नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो गए, मतलब वो स्टॉप हो गया। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं ना, रेगुलेशंस बैन मींस बैन। सीनियर जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप जूनियर है, वो लोग सीनियर है। इसके बाद था स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन इसका जितना भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, सब एलिमेंट सेम होते हैं। हाँ, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इक्वल। ऑल डायगोनल आजा, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अच्छा, हाँ हाँ, बिकॉज इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, अच्छा, मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। हाँ, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। Is a diagonal matrix. It is a special type of diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal. Is a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal. Are equal means are the same. Yeah. Same. Any example? Yes, I'll give you examples. 3x3 matrix. And it is a square matrix. Okay, I'll make a diagonal one. 1, 1, 1. First, I'll make the diagonal. Okay. 1, 2. This has to be 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Wow. Good. Thank you. So this is 3x3, yeah. Any other example? More you want? Okay. 5, 5, 5, 5. Okay. 0, 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 0. And order of matrix is? Order of matrix is 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yes. So it's called a scalar matrix when it is the diagonals are all the same. Diagonal elements are all the same. You know in dentistry what is scalar? हमारे दांत का काम में scalar क्या होता है आपको मालूम? क्या होता है? दांत साफ करने का वो स्केलर है ना, वो इंस्ट्रूमेंट। अच्छा। और इसलिए दांत साफ करने का स्केलिंग एंड पॉलिशिंग बोलते हैं। ओके। स्केल तो पता है, जो दांत में जो हो जाता है वो स्केल। उसको टार्टर, उसको टार्टर बोलते हैं। अच्छा। उसको टार्टर बोलते हैं, लेकिन एक अल्ट्रासोनिक, एक अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट है जिसका नाम है स्केलर। वो अल्ट्रासोनिक भी हो सकते हैं, हैंड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, दोनों स्केलर है। हाँ, टू स्केल टू रिमूव द स्केल्स करेक्ट। और वो फिश का भी उसमें जो है उसको भी स्केल्स बोलते हैं ना, फिश का जो केमिस्ट्री में बोलते हैं वो स्केल, वो कुछ पेमेंट्स जमा हो जाता है ना कुछ। हाँ, करेक्ट करेक्ट, लाइक टार्टर, लाइक टार्निश एंड कोरोजन ना, और जैसे मींस हीटिंग रोड के ऊपर वो स्केलिंग हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, जो जमा हो जाता है। हाँ, रस्ट जैसा नहीं। हाँ हाँ करेक्ट। स्केलर मैट्रिक्स हो गया था। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? Diagonal matrix. हाँ. Diagonal matrix is a one minute. I'll tell you. A diagonal matrix is a matrix in which
a diagonal can be passed through in which the diagonal elements may be zero, or a diagonal matrix is a square matrix in which the diagonal elements in which the non-diagonal elements are zero. Right. See, because of you, I am also becoming intelligent. What is identity matrix? Identity matrix is also a diagonal matrix. Yes. And all the diagonal elements are one. Okay. Identity matrix is also a diagonal matrix. That means it is a square matrix also. It is a square matrix, diagonal matrix, and all the diagonal elements are one. Acha, all the diagonal elements are one. Yeah. Any example like 1 0 0 1 is the identity matrix. But this is not. But the identity matrix is also a diagonal matrix. You say. Yeah. But this is not a diagonal matrix. These two are diagonal elements. Correct. And non-diagonal elements are zero. Mm-hmm. So okay. When the diagonal elements are one, in a diagonal matrix, when the diagonal elements are one, then it is a identity matrix. Any other example like? लेकिन ऐसा उन्होंने वो नाम कैसे decide किया, उसका नाम है identity. उसका reason बताइए. इसका reason होगा हाँ. 3x3 का identity matrix. Identity matrix को आप किसी भी matrix से multiply करते हो तो same result आता है. Oh my god, अभी matrix को multiply भी करना पड़ेगा. इसलिए उसको identity बोलते हैं. Identity matrix is the जैसे जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं उतना वो लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे. एक जैसे वो बोलते हैं ना मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है. हाँ. तो वन को मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बोलते हैं. हाँ. वन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम रिजल्ट आएगा. करेक्ट. इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन. लेकिन मैं ये बोल रही हूँ ये देखो कैलकुलेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना. hmm. तो ऐसा कोई कैलकुलेटर है जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं ना. कंप्यूटर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स को. हाँ. ऐसा कोई प्रोग्राम है, मतलब कुछ प्रोग्राम है उसके लिए? आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं. अच्छा. हाँ. तो छोटा कंप्यूटर लेके जाने का ना मतलब वो. हाँ नहीं, लेकिन वो लोग पकड़ेंगे. हाँ ये पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है. ये अच्छा है ना वहाँ का बर्गर. पता नहीं आप वेजिटेरियन है वो. वेजिटेरियन. हाँ. Zero matrix मतलब diagonal elements सब zero हैं? No, zero matrix is those matrix in which all the elements are zero. All the elements are zero. हाँ, अगर diagonal element zero है तो बाकी भी zero ही होगा, क्योंकि नहीं तो वो matrix नहीं होगा ना. No. diagonal matrix नहीं होगा. नहीं, ये diagonal matrix नहीं है ना. Okay. ये different matrix. अच्छा. It's a matrix in which all the elements are zero. Right. Like example 0 0 0 0 which is zero matrix. Any other example like 0 0 0 0 0 0 is also a zero matrix. ठीक है. So zero matrix. मुझे लगता है ये सब mathematics में ये सब subdivisions बनाया हुआ है matrix ये वो calculations के लिए ना, आसान होने के लिए ना. तो इसका revision करते हैं. जैसे states में divide किया है हरियाणा या गोवा या बॉम्बे, वैसे अलग अलग स्टेट्स जैसा है ना, अलग अलग रीजन्स जैसा है मैट्रिक्स मैथमेटिकल दुनिया में. ओके. ऐसा नहीं है. मींस इसका मैट्रिक्स का एप्लीकेशन बाद में आएगा, अभी अगर बताऊंगा ना तो सब मैसअप हो जाएगा. ये सब मैट्रिक्स में क्यों सेपरेट किया है? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इजी है ना, अलग अलग स्टेट्स बनाएंगे तो एक नेशन में. वैसे ये तो मींस सिंपल नेम था, थिंकिंग मैनेज करने के लिए शायद ना, पता नहीं. हां, फिर इसका रिजल्ट फॉर यू. या इसका रिवीजन कर देते हैं. कौन कौन से मैट्रिक्स आपने पढ़े अभी तक? ओह माय गॉड. ओके वेट. फर्स्ट आई विल टेल यू रो मैट्रिक्स. उसको डिफाइन भी करो, क्या था रो मैट्रिक्स? ओके, रो मैट्रिक्स इज द वन इन व्हिच देयर इज ओनली वन रो
and many columns. Right. Yes. And column matrix, in which there is only one column and many rows. Right. Then diagonal, square matrix, in which square matrix is one in which the number of rows is equal to number of columns. Okay. See, I'm so bright. Okay. Square matrix. Then we go on to diagonal matrix, in which diagonal elements are can be any number, can be any, but the non-diagonal elements are all zero. And a diagonal matrix is a square matrix. Then scalar matrix is a special diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. Huh. In which all the diagonal elements are same. That's fine. Then you have a zero matrix in which all the elements are zero. Then you have a identity matrix. Identity matrix, is it a diagonal matrix? Yes. In an identity matrix, the diagonal elements are one. Right. And if you multiply a diagonal matrix, the reason that it's a diagonal because you get the same number. Mm-hmm. You get the same number. जैसे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है, वन होता है, उसका पीसी से मल्टीप्लाई करो सेम रिजल्ट आता है, ऐसे ही ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, बस इतना ही आपने सीखा, मतलब आई टोल्ड ऑल सब मैंने बोला. अरे अमेजिंग यार. ठीक है, बिकॉज यू टीचिंग प्रॉपरली. इसके बाद मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, ये जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4, 1, 2, 3, 4. नहीं अभी आप क्या, अभी आप दूसरा मैट्रिक्स बता रहे हैं? नहीं नहीं, मैट्रिक्स कंप्लीट है. अच्छा, अभी क्या बता रहे हैं? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. जैसे कोई मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, ये मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6. ठीक है, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है. ठीक है, जैसे ये इसका पोजीशन, इसका पोजीशन. पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हम नंबर को कंसीडर करते हैं, ए नंबर मान लेते हैं. ठीक है, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट. मुझे लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है टेक्स्ट बुक की, ना बस वो सम्स सॉल्व करने के लिए, मतलब आप सब बता रहे हैं. नहीं, मैं इसमें देख देख के बता रहा हूँ. हाँ, लेकिन आई डोंट, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा. हाँ, मेरे पास नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ता. अच्छा अच्छा, मुझे भी आता नहीं है ना, मैं देखता हूँ. अच्छा, ऐसे ऐसे मैं लिखता हूँ. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए लिख दिया, इसके बाद में ए मतलब पोजीशन ना. हाँ, आई जे, आई इज नंबर ऑफ रो, जे इज नंबर ऑफ कॉलम. लेकिन वो ए आई जे एक ही इसमें आते हैं ना, एक ही लेवल पे आप लिख रहे हैं ना, ये नीचे ए आई जे. ठीक, ए एलिमेंट है कोई, आई रो जे कॉलम. ठीक है, एलिमेंट. अच्छा, आपको ये मतलब उसका पोजीशन है ना. हाँ, ये अच्छा उसका पोजीशन ये कोई एलिमेंट है, ये कौन सा रो में है और कौन सा कॉलम में है. हाँ, ये दो बताएंगे तो उसका पोजीशन हमको पता चलता है. हाँ, मतलब ये फिल अप करने की जरूरत नहीं है, बस आई एंड जे फिल अप करना है. अभी जैसे हमें 2x2 का कोई मैट्रिक्स बनाना है. ठीक है, तो उसका पोजीशन कैसे होगा, ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, वो एलिमेंट का हम उसको मैप, उसका मैप है। हाँ ये आई जे हुआ, आई जे है उसका लोकेशन बता रहा है, उसका एड्रेस। हाँ ठीक है, अभी ये क्या है, ए ये आई जे, आई टू है, जे भी टू है, टू इंटू टू का मैट्रिक्स है। लेकिन ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है ना। हाँ, हाँ। और ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन एक ही है, मतलब एक ही स्टाइल में है। ये मैंने बताने के लिए ये, अच्छा नहीं ऐसा मत करो, आई एम ऑलरेडी बहुत ही कंफ्यूज्ड, मतलब ऐसा यू नो, नहीं अभी नहीं कंफ्यूज हूँ, मतलब जनरली मैथ से ये सिंबल से यू नो, तो ये ऐसा यू नो थोड़ा भी आप इधर उधर कर दे नो, आई विल लूज इट। ठीक है, जैसे हमें कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3x3 का, ठीक है, तो इसको एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? गर्मी है, कहाँ पे है ब्रीज, नहीं है ना यहाँ पे, कहीं नहीं है ना फैन, कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन इस वाली बिल्डिंग में तो नहीं है, मुझे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आई एम फाइन, मुझे कैसे लगता है ना ये, जैसे हम ये स्टेप्स क्लाइंब कर रहे हैं यू नो, और कोई भी एक स्टेप से वो ग्रिप गया ना तो नीचे हम लैंड करेंगे, मतलब बहुत मतलब वो माइंड में ना वो कंसंट्रेशन, आपको ये रिप्रेजेंट करना आ गया, अभी इसका अपोजिट करके आप उससे कुछ पूछते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इसमें ए वन टू थ्री मैट्रिक्स है, ए थ्री टू, ए टू थ्री, अभी आप पूछेंगे मुझे कि कौन सा है, आप लोकेट करो इसको, इसका एड्रेस ये है, ये कॉस्ट है, कौन सा है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो दिस इज नंबर 3, राइट, सी this is A, A and this is third row and second column, third row and second column, this is 8, right, everything is right, I'm sorry, okay, A is a second second row and third column, so this is second row and third column, so that's 6, right, okay, and this is third row and first column 7, right, you're teaching very well then, iske baad equality of matrix, डिसिप्लिन चाहिए ना मैथ्स के लिए, माइंड का मैथ के लिए, हाँ मींस प्रैक्टिस चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, हाँ प्रैक्टिस, बहुत डिसिप्लिन भी, मतलब कुछ और बीच में हम नहीं सोच सकते,
वही उसी में हमको फॉर ईच एलिमेंट ए इज इक्वल टू करस्पोंडिंग एलिमेंट कोई इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है इक्वल टू आई जे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है इक्वल टू बी आई जे, ठीक है। नहीं मुझे कुछ मुझे समझ में नहीं आया इक्वलिटी, ये दो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ओके ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो जैसे 2x2 है तो a11 a12 a21, लेकिन ये ना ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है ये। हाँ, ये मैट्रिक्स ए है। हाँ, और ये एलिमेंट, हाँ ये मैट्रिक्स है, इसमें aij एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, बस एक ही एलिमेंट है उसमें, मतलब नहीं एलिमेंट नहीं है, आई और जे का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो डिफरेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे ये मान लो 2x2 का मैट्रिक्स हुआ तो दिस वन इक्वल टू a11 a12 a21 a22, ये मैट्रिक्स होगा इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे बी मैट्रिक्स मान लो, ओके ओके लेकिन इक्वालिटी उसमें क्या है? इसमें बोलता है कि आपके पास दो मैट्रिक्स है, लेकिन वो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? इक्वल कब होगी? इक्वल कब होगी? हां हां करेक्ट, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो दो मैट्रिक्स वो इक्वल कब होंगी? तब उसका ऑर्डर इक्वल होगा। उसका एक मिनट, ऑर्डर का मतलब मैं लिख रही हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हां मतलब रोज एंड कॉलम्स, हां नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑर्डर विल बी इक्वल, हां मतलब ऑर्डर विल बी इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड उसके सब एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हां सेकंड उसमें क्या होना चाहिए? सब एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब ऑल एलिमेंट्स शुड बी द सेम, या सेम एंड पोजीशन इज आल्सो सेम, ओके ओके एलिमेंट्स इज इक्वल टू एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट एंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। अच्छा अच्छा, वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ना, वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, सेम, यस, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, इट्स ऑल द सेम। तो जैसे ये मैट्रिक्स ए है, ऐसे बी मैट्रिक्स हमने टू ये पेज 4 है ना, हां ये भी हमने 2x2 का कोई मैट्रिक्स बना दिया, बी 11 B12, B21, B22, ठीक है। अभी ये दो मैट्रिक्स है, ये इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। अभी सेकंड कंडीशन था कि उसका एलिमेंट सेम होना चाहिए, वैल्यू वैल्यू, हाँ वैल्यू सेम होना चाहिए, अभी वो हमको नहीं पता। हाँ तो ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल कब होगा? व्हेन ए इज इक्वल टू बी, हां ये इक्वल तब होगा तब a11 इक्वल टू b11, हां a12 इक्वल टू b12, a21 इक्वल टू b21। ऐसे आप जनरली नहीं बोल सकते ना, व्हेन ए इज इक्वल टू बी ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि बाकी सब सेम है, बस ए बी। अच्छा मतलब आप ये योर मतलब आप ऐसे मान रहे कि ये ए और ये ए अलग है, हाँ, ये सब, हाँ, तो मैंने सोचा ये सब सेम होगा, नहीं ये सब अलग अलग एलिमेंट, करेक्ट 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 करेक्ट। सो व्हेन a11 इज इक्वल टू b, आई सी, सो व्हाट आई सेड वाज रॉन्ग, मींस ये वाला एलिमेंट है, हाँ,
इसमें भी इस वाली पोजीशन का ये वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, दोनों एलिमेंट्स इस वाले एलिमेंट के इक्वल ये एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो मैट्रिक्स इक्वल होगा। हां, जस्ट बिकॉज़ ये भी ए है ये भी है डजंट मीन दैट ये दोनों एक ही वैल्यू है। इट मींस कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगा तब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का फोटोकॉपी होगा। करेक्ट, आई लाइक दैट।